दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर बार बार बंद हो जाता है, आप इसको ओपन करके कुछ सर्च वगैरह कर रहे होते हैं, कोई ऐप या फिर कोई ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो अचानक से बंद हो जाता है आपका प्ले स्टोर, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे यह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना है गूगल प्ले स्टोर में ही। ओके, तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपनी ऊपर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक अबाउट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करिए, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्ले स्टोर वर्जन दिखेगा, यहीं पे आपको दिखेगा अपडेट प्ले स्टोर का एक ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेरे में दिखा रहा है गूगल प्ले स्टोर इज़ अप टू डेट, मतलब मेरे में पहले ही लेटेस्ट वर्जन है। आपके में अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, और प्ले स्टोर मतलब अपडेट हो जाएगा। ओके, आपको अपडेट कर लेना है, और उसके बाद आपको देखना है आपको वही प्रॉब्लम आती है कि नहीं। अगर नहीं आती है तो ठीक है, अगर फिर भी आती है तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है नीचे की ओर स्क्रॉल, और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप क्लिक करिए मैनेज ऐप्स पर, और मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ढूंढ लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर ढूंढ लेते हैं, ये रहा गूगल प्ले स्टोर, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, और क्लियर ऑल डाटा इसका कर देना है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके, और उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो आप क्या करिए, आप यहाँ से जो है गूगल प्ले सर्विस सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे गूगल प्ले तो आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा गूगल प्ले सर्विसेज का, आप इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करके क्लियर कैशे कर दीजिए, और यहाँ पे ओके कर दीजिए, और इसको एक बार अपने फ़ोन में फोर स्टॉप कर दीजिएगा। ओके, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।